So Pranav, I've checked all the details. We're all set, right? Yes, sir. हमने अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन कर ली है और हमारी तरफ से गेस्ट के लिए इनवाइट्स भी जा चुके हैं। और फिर वो मिस्टर मेहता उनको लिस्ट ऐड कर दिया? Yes, sir. I personally invited him. अगर और कोई भी है जिसे आप इनवाइट करना चाहते हैं तो बता दीजिए। हाँ, एक और गेस्ट है, पर मैं उन्हें खुद इनवाइट करूंगा। I'll make that call. What about Mr. Ram Kapoor's list? Is that ready? Sir, we already have it. मैंने उनकी सेक्रेटरी से बात कर ली है। वो मुझे फाइनल लिस्ट भेज देगी। I will check it. Okay then, Pranav. I guess we're all ready. We're done for the day. Please make sure all the arrangements are made to the T. मैं नहीं चाहता कि किसी भी गेस्ट को किसी भी तरह की कोई कमी महसूस हो। It has to be the best and most fabulous party. I'll leave it to you. Sure, sir. Everything will be taken care of. Thank you. Thanks, sir. Thanks, ma'am. All done, Taisha. Rajat, this is your first project in India. And I'm sure you will do extremely well. I really hope so. मैं बहुत excited हूँ। थोड़ा बहुत nervous भी। बिल्कुल nervous मत हो। Everything will be all right. I'm sure. राहुल, राहुल ये तुम कैसे बात कर रहे थे नीचे? कोई ऐसे बात करता है क्या अपनी मॉम से? What's wrong with you? कैडी प्लीज, एटलीस्ट तुम मेरी मॉम की साइड मत लो। राहुल, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है व्हेन यू लेफ्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल सब कितने टेंस थे? तुम्हारी मॉम तुम्हारे हर फ्रेंड के घर गई है, उन्होंने सबको कॉल किया है। इट्स हर गिल्ट। गिल्टी फील कर रही है वो कि मुझे सब सच पता चल गया है। अदरवाइज शी जस्ट डजंट केयर अबाउट मी। यू नो दैट्स नॉट फेयर। She cares a lot about you, Rahul. What's wrong? What? That's not fair. और जो उन्होंने मेरे साथ किया वो fair लगता है तुम्हें? Okay, I know बहुत कुछ हुआ है and it's too much to handle. But बस एक बार अपनी mom की बात सुन लो. Probably she has an explanation. तुम्हें समझ आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है. अरे मुझे उनकी कोई बात नहीं सुननी. Why don't you guys understand what I am going through? बार बार उस लड़के का वो रेहान का चेहरा मेरे सामने आता है. ऐसा लगता है वो मेरा मजाक बना रहा है, हंस रहा है मेरे ऊपर. और इतने सालों तक मॉम ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई एंड दिस इज हाउ आई गेट टू नो अबाउट इट। आई जस्ट कांट हैंडल इट। मेरी मॉम है वो, और मेरी मॉम कैसे कर सकती थी ऐसा मेरे साथ? डैडी, आई फील हर्ट। मैंने सही किया ना? राहुल इतना अपसेट था और मैं उसे ऐसे ही छोड़ा है। पर आई डोंट नो व्हाट टू डू, दिमाग ही नहीं चल रहा। नेहा, सबसे पहले तो तुम खुद को संभालो। देखो, राहुल के लिए भी आसान नहीं है। आई मीन, मैंने इतना डांट दिया उसे कि उसे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, बट द फैक्ट इज कि एकदम से इतना बड़ा सच एक्सेप्ट करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। उसे उसे थोड़ा वक्त दो। एक तो यंग ब्लड है, टेम्परामेंटल है, ऐसे रिएक्ट करेगा ही। That's so obvious. But he's also very sensible. मैं जानती हूँ वो बहुत समझदार है और उसकी thinking बहुत mature है। थोड़ा गुस्सा उसका ठंडा होगा ना तो तुम देखना वो खुद आएगा तुमसे बात करने के। हाँ, just make sure that you're around ताकि उसका जब भी तुमसे बात करने का मन हो तो तुम वहाँ हो उसे समझाने के लिए। I'm always there for him. उसे ये पता होना चाहिए। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। एक तरफ राहुल और दूसरी तरफ रेहान, और दोनों आखिर मेरे ही बेटे हैं ना। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नेहा, वक्त दो ना उसे। हम ना वक्त को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन
ये बात मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है. टाइम हील्स एवरीथिंग. तुम देखना, एक दिन वो भी आएगा जब एक ही टैक्सी में तुम, रेहान, राहुल हंसते हुए कहीं जा रहे होगे और आज का दिन याद करोगे. ट्रस्ट मी. जी प्रिया, तुम अभी भी रजत के घर पे हो या? नहीं, निकल गई हूँ. किसी के साथ हो? नेहा के साथ हूँ. ओके, ठीक है. सुनो, मैं एक्चुअली तुमसे विक्रम और नेहा के बारे में ही बात करना चाहता हूँ. और अभी इसी वक्त, इफ पॉसिबल, तुम एग्जैक्टली कहाँ पर हो? इस वक्त हम लिंकिंग रोड के पास हैं. नहीं, तो तुम वहीं कहीं उतर सकती हो और मुझे मिल सकती हो? हाउ अबाउट माय ऑफिस? अच्छा, ठीक है, मैं आती हूँ. ओके, बाय. ओके, बाय. मिस्टर कपूर किसी जरूरी बात के लिए मिलना चाहते हैं इसी वक्त. ठीक है, तुम जाओ. कहाँ? अपने ऑफिस बुला रहे हैं तो तुम्हें हम ड्रॉप कर दें? नहीं, मैं दूसरी कैब ले लेती हूँ. तुम घर जाओ. यू विल बी फाइन ना? कुछ हो तो पापा के घर चले जाना. ओके, मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ. भैया प्लीज़ आगे लेफ्ट को रोक दीजिए. सब ठीक हो जाएगा, कम ऑन. ठीक है. अरे अभी तो बताया आपको, आपके बार बार पूछने से मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा. मिस्टर कपूर, ऐसी सिचुएशन में जितना ठीक हो सकती है उतनी ठीक है वो. लेकिन बात इतनी बड़ी है तो अपसेट तो होगी ना? या, you're right. Actually, बात तो है काफी बड़ी. It is quite a big deal, यार. ऐसी कोई बात आसानी से कोई एक्सेप्ट कैसे कर सकता? सच पूछो तो I'm feeling very bad for विक्रम. ये राहुल तो फिर भी बच्चा है. वो गुस्सा है तो सबके सामने कह सकता कि वो गुस्सा है, लेकिन विक्रम बेचारा क्या करे? अंदर ही अंदर वो सब कुछ सह रहा है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं. एक मिनट, गलती नेहा की भी नहीं है. What? How can you say that? What do you mean गलती नेहा की भी नहीं? नेहा की नहीं है तो गलती किसकी है? आज विक्रम और नेहा के बीच में जो भी हो रहा है नेहा की वजह से ही तो हो रहा है, नेहा की पास की वजह से. Exactly, मिस्टर कपूर. नेहा का पास्ट, उस पे नेहा का कोई कंट्रोल नहीं है. इनफैक्ट रेहान इस दुनिया में है ये नेहा जानती भी नहीं थी. मिस्टर कपूर, ये शौक विक्रम के लिए जितना बड़ा है ना, नेहा के लिए भी उतना ही बड़ा शौक है. तो फिर गलती विक्रम की है? Is that what you're trying to say? नहीं, मतलब क्या जो भी हो रहा है वो विक्रम की वजह से हो रहा है? I mean, come on, यार, think about. अरे विक्रम क्या कुछ नहीं कर रहा है, पूरी तरह से सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा है. वो तो अभी भी नेहा को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सारा ब्लेम अपने आप पर लेने की कोशिश कर रहा है. ऐसा दिखाना चाहता है कि सारी गलती उसकी वजह से हुई है, नेहा ने कुछ नहीं किया. I mean, come on, यार, how can you even take नेहा's side or something like this? मैं कहां नेहा की साइड ले रही हूं मिस्टर कपूर. अरे हम किसी की साइड ले ही नहीं सकते क्योंकि वो दोनों हमारे दोस्त हैं और इस समय दोनों ऐसे सिचुएशन में कॉट अप है कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत है. मिस्टर कपूर, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उन्हें तकलीफ हो रही है. अरे प्यार जितना गहरा होता है दर्द उतना ही ज्यादा होता है. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम किसी के साइड लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं. मिस्टर कपूर, हम ये नहीं भूल सकते ना कि विक्रम और नेहा ने हमें प्यार करना सिखाया.
और अब उन्हें हमारी जरूरत है तो हमें उनका साथ देना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो एक दूसरे के पास आ सकें, एक दूसरे के साथ फिर से रहने लगें और उन्हें वो सारी खुशियाँ मिलें जो वो डिजर्व करते हैं। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। हम साइड्स नहीं ले सकते। You're right. Actually, मैं भी उन दोनों को एक दूसरे से अलग इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ यार। आई मीन आफ्टर ऑल दे बोथ आर विक्रम एंड नेहा। एंड यू नो मैंने कोशिश भी की थी, पूरी तरह कोशिश की थी कि किसी तरह उन दोनों को अलग नहीं होने दो, बट मेरा सारा प्लान चौपट हो गया बिकॉज तुम नहीं थी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन सारे मामलों में तुम्ही को पता होता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं तो टफर हूं। अब क्योंकि हम दोनों बात कर रहे हैं इस विषय में और हम दोनों का मकसद एक ही है, एटलीस्ट विज़ावी दिस, आई थिंक वी शुड हैव अ प्रॉपर गेम प्लान, वी शुड हैव एन एजेंडा। पता होना चाहिए कि मैं अब क्या करूँगा विक्रम के साथ और तुम क्या करोगी नेहा के साथ। लेट्स बिल्ड अ प्रॉपर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी। मिस्टर कपूर, हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, कोई बिजनेस डील डिस्कस नहीं कर रहे कि प्लान और स्ट्रैटेजी बना ली, फटाफट से आपस में डिस्कस करके उसे फिक्स कर दिया और डील डन हो गई। इन सब बातों में वक्त लगता है। आई थिंक हमें विक्रम और नेहा को थोड़ा वक्त देना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि वो खुद इस प्रॉब्लम से पहले डील करने की हिम्मत जुटा पाए। एंड देन हमें उन्हें ये अश्योरेंस देना होगा कि हम हैं उनके साथ। आई थिंक वी नीड टू गिव देम अ लिटिल मोर स्पेस। सॉरी, ये तो प्रॉब्लम है ना मेरी, हर चीज मेरे लिए बिजनेस स्ट्रेटजी ही तो होती है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि तुमको पता होता है ना इन सब चीजों में क्या करना चाहिए। ठीक है, ओके, आई नो यू राइट। जरूर उन दोनों को टाइम देना चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक हमें भी टाइम लेना चाहिए थोड़ा। आई थिंक वी नीड टू थिंक अबाउट दिस। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा वक्त लें, लेट्स थिंक अबाउट व्हाट वी गोना डू और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ठीक है फिर, मैं चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टैक्सी है ना नीचे, वेट कर रही है। मैं चली जाऊँगी, आई मैनेज। टैक्सी? तुम टैक्सी में? हाँ, टैक्सी, क्यों? ओके। हेलो। हाँ प्रिया। सब ठीक है ना वहाँ पे? राहुल वहीं है ना अभी तक? हाँ, राहुल यहीं है और एकदम ठीक है। और मैं आज रात को यहीं रखूँगा, कल जब थोड़ा गुस्सा कूल डाउन होगा आई गेट बैक माय सेल्फ, सो नथिंग टू वरी अबाउट। थैंक यू सो मच सर, मैं नेहा को बता दूंगी, शी बी वेरी रिलीव। या कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और सुनो प्रिया, मुझे तुम्हें फॉर्मली इनवाइट भी करना था। इनवाइट? हाँ, आई एम श्योर राम ने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया होगा, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू फॉर्मली इन्वाइट यू। राम और मैं वो मॉल का प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। जी। टुमारो इज द ऑफिशियल लॉन्च, सो आई नो राम इज ऑलरेडी टोल्ड यू, पर मैं चाहूंगा कि आप मेरी भी गेस्ट बनकर आओ।
अच्छा वो मिस्टर कपूर और आपका जॉइंट प्रोजेक्ट जिसके लिए मिस्टर कपूर दुबई आए थे, दैट्स वंडरफुल सर, फाइनली इट्स टेकिंग ऑफ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तो कल पार्टी है, रात को 8 बजे आप आना होगा, एंड नो एक्सक्यूज़। सर आप तो जानते हैं मुझे पार्टीज में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वैसे भी आज मुझे इतनी देर हो गई, पीहू मेरे बिना ही सोई है, कल फिर अगर देर से जाऊंगी तो शी विल गेट वेरी अपसेट। आई डोंट थिंक आई कैन कम सर, प्लीज। आई अंडरस्टैंड प्रिया, लेकिन यू हैव टू बी देयर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और राम को भी। बट आई एम नॉट श्योर सर, आई कांट प्रॉमिस। प्लीज ठीक है सर, मैं ट्राई करूं। ट्राई नहीं, आना पड़ेगा। गुड नाइट, बाय। राम पुत्र, और ये पार्टी शार्टी की तैयारियां हो गई ना? जी बाबा जी, लगभग सब कुछ हो गया है, बस गेस्ट लिस्ट को एक बार चेक करो। राम ओ तू देखना, ओ तेरी ये पार्टी ना बड़ी यादगार ते शानदार होनी है, और होनी भी चाहिए, वो पूरे इंडिया में इतनी सारी मॉल्स खोल रहे हो तू और रजत। वैसे रजत के साथ ये तेरी पहली डील है ना? और शायद आखिरी भी। ओके बाबा जी, ये मेरी तरफ से फाइनल गेस्ट लिस्ट है, जरा आप बाहर मेरी सेक्रेटरी को दे दीजिए प्लीज। लाभ। थैंक यू। राम ये तेरी लिस्ट फाइनल है ना? मतलब कोई नाम तू कुछ भूला शूला तो नहीं ना? हाँ बाबा जी, मेरी तरफ से तो शायद फाइनल ही लिस्ट है। ओके कूल है जी, आई विल गो एंड सी योर सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी को देखता हूँ। मामा जी शायद प्रिया के बारे में बात कर रहे थे, प्रिया ने मुझे अपने बुक कैफे ओपनिंग के लिए तो बुलाया था, मुझे भी उसे बुलाना चाहिए या क्या करूं? हेलो मामा जी, कहिए इतनी रात को कैसे फोन किया, सब ठीक तो है ना? ओहो छिपरा जी, आप भी मुझे मामा जी बुलाते हो, मैं तो आपका अपना शाइनी। लो जी वो सब ठीक ही है, मैं तो ये कहूंगा कि नॉर्मल से भी ठीक है। अच्छा कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल राम और रज़ की जॉइंट वेंचर की पार्टी है। हाँ वो आयशा ने बताया था मुझे। हाँ जरूर बताया होगा आयशा ने, पर आयशा ने आपको वो नहीं बताया होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राम कपूर ने प्रिया शर्मा को इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है मामा जी? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हाँ तो नहीं जी, कोई गलत फहमी नहीं है, ये जो राम है ना ये जला पुना हुआ है, और उसकी ये जेलसी है ना ये गुस्से में तब्दील हो गई है, और ये आयशा के लिए तो अच्छी खबर है। पर जी अब आयशा आजकल मेरी बात सुनती नहीं है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था कि आप उसको समझाओ, उससे कहो कि जब तक ये कस्टडी वाला मामला चल रहा है ना वो राम की हाँ में हाँ मिलाए, वो फेक कंसर्न दिखाए। क्यों नहीं थैंक यू मामा जी, मैं उसे बता दूंगी। बता क्या दूंगी, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ जी। लो जी, अच्छा जी नमस्ते। बाय बाय। बाय बाय आंटी जी। फिर नीड योर चाय बाबा। हाय कैसी हो नेहा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? नताशा बेहोश होके ज्यादा तंग तो नहीं किया ना उसने? Well, it was quite an effort to put your daughter to sleep, लेकिन finally वो सो गई है। In fact, पीहू मम्मी जी और पापा के साथ ही सो रही है, so don't worry। ठीक है।
ठीक है, मैं उसे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल से सोई है पीहू, सो लेट हर स्लीप ना। एक काम करो, व्हाई डोंट यू वेक हर अप इन द मॉर्निंग सिंपल। नो 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 नो, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। रात को बीच में जग गई ना तो माँ पापा दोनों को हैरान कर देगी। आई थिंक मैं जाके ले आती हूँ उसे। डोंट वरी, हम संभाल लेंगे। ओके ठीक है, तुम्हारी मर्जी। रात को अगर तंग किया ना तो सुबह मुझसे शिकायत मत करना। ओके ओ बाय द वे, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि कल पार्टी है, भाई ने फोन किया था, भाई और रजत की जो मॉल की जो नई वेंचर है उसका लॉन्च है कल। सो आई वाज वंडरिंग व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर। एक्चुअली आई हैव द परफेक्ट साड़ी फॉर यू, आई ब्रिंग इट एंड शो इट टू यू। नहीं नताशा, एक मिनट, उसकी जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक मैं जाऊंगी। क्यों? पीहू को रोज रात को ऐसे अकेले छोड़कर जाना, आई डोंट थिंक इट्स राइट। और वैसे भी जिसकी पार्टी है उसने मुझे इनवाइट नहीं किया है। व्हाट? भाई ने आपको इनवाइट नहीं किया? तुम तो अपने भाई को जानती हो ना। देखो प्रिया, यू नो राम, उसकी ईगो की वजह से उसने नहीं बुलाया होगा, पर तुम्हें भी पता है कि तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होगा। प्लस पार्टी रजत और राम दोनों की है ना। राइट, तो रजत ने तो इनवाइट किया ही होगा। हाँ, रजत सर ने इनवाइट किया है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। रजत सर के इनविटेशन पे जाऊंगी तो शायद मिस्टर कपूर को अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो चाहते कि मैं उनकी पार्टी में आऊँ तो वो मुझे ज़रूर कह देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसका मतलब मुझे नहीं जाना चाहिए। प्रिया, ये पार्टी इन दोनों की है और रजत तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, आई थिंक उसकी खातिर तुम्हें जाना चाहिए। रजत ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, अब इंडिया में ये उसका पहला प्रोजेक्ट है तो बुरा लगेगा अगर तुम वहाँ नहीं होगी उसके लिए। गो फॉर हिम। कम ऑन प्रिया, यू हैव टू गो, प्लीज। आई डोंट नो यार, पता नहीं मुझे जाना चाहिए या नहीं। ऑनेस्टली आई कांट डिसाइड। आई थिंक यू शुड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.